हमें खुशी है ऑफिसर कि आप यहाँ आई, लेकिन आपको यहाँ बुलाने के पीछे वजह है सलार। हमने सुना है कि आप सलार को पहले से जानती है। हाँ ये सच है सर, बट हम उसे जानते हुए भी नहीं जानते, क्योंकि हम जिसे जानते थे वो भूला था, एक क्रिएटर। लेकिन सलार एक डिस्ट्रॉयर है, जो कि एक रूप है दर्द का, अत्याचार का, दबे हुए आवाजों का। इसलिए हम तो क्या सर, उसे इस पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता। माफ करना ऑफिसर, पर हमने तुम्हें यहाँ उसकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बुलाया है। कुछ ऐसा बताओ जो हमारे काम का हो, क्योंकि जहाँ तक बात रही उसी हुए अत्याचार के बारे में, तो उसने अपने एक अत्याचार के बदले में न जाने कितने ही लोगों पे अत्याचार किया है, और ऐसे लोगों को सिस्टम में ग्रेट नहीं, टर्मिनेट किया जाता है। ओके सॉरी सर, बात साल 2017 की है, जब मुझे मेरा पहला अंडरकवर ऑपरेशन गौरा की जासूसी का मिला। सिस्टम के पास लीड थी कि गौरा सिस्टम के खिलाफ कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है। मुझे ऑर्डर्स थे कि मैं उनके बीच में रहकर उन्हें ऑब्जर्व करूं और सिस्टम को अपडेट करूं। लेकिन इसी बीच मेरी मुलाकात भूला से हुई, क्योंकि भूला गौरा का सबसे खास आदमी बन चुका था। और पिता तुम्हारे लिए काम है मेरे पास, जहां तुम्हारे कंप्यूटर जैसे दिमाग की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ तो कहिए ना काका, क्या करना होगा मुझे? हमने सुना है कि अल्पाइन की सरकार ने वेंटेज में कुछ नए हथियार लाए हैं, जो कि ऑटोमेटिक है। मैं चाहूंगा कि तुम उन सबको डिफ्यूज कर दो, ताकि वो हमारे सामने उन हथियारों का इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है काका, ये करना इतना आसान तो नहीं, लेकिन हाँ मैं कर सकती हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि मैं वहाँ घुसूंगी कैसे? उसकी फिक्र तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, भोला ने सब सोच रखा है, वो लेकर जाएगा तुम्हें वहाँ तक। भोला? हाँ, जाके बात करो उससे, वो तुम्हें सारी जानकारी दे देगा। और इस तरह मेरी पहली बार मुलाकात भोला से हुई। यकीन मानिए उस दिन मैंने पहली बार एक जिंदा राज देखा था। सुनो, काका ने कहा कि तुम वेंटेज चलोगे मेरे साथ, ये क्या सुनाई नहीं दिया क्या? ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? वो नदी का खाई, जिसे नदी खुद अपने साथ लाई, हंस के देखा तो जल जीवन कहलाई, और अगर ज्यादा हो गया तो सिर्फ सुनामी और तबाही। ए, ये क्या बात हुई? तुमने कहीं ये सुन के बोला या फिर कुछ और बात है? इससे क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे ऐसे कौन बात करता है? खैर गौरा काका बुला रहे हैं तुम्हें, उनसे ही चल के पूछ लो। पर सर उसकी बातें समुद्र से भी गहरी थी, यकीन मानिए उसकी हर लफ्ज उसकी कहानी कह रही थी। कहिए गौरा, क्या करना है? वेंटेज का तुझे पता है भोला, इसका नाम अर्पिता है, आधुनिक हथियारों को नष्ट करने में ये तेरी मदद करेगी। एक मिनट ऑफिसर, गवर्नमेंट ने तुम्हें उस पर नजर रखने के लिए कहा था, उनके लिए काम करने को नहीं। आई नो सर, मैंने विंटेज में जाने से पहले ही गवर्नमेंट को अलर्ट किया था कि वहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दिया जाए। लेकिन आप खुद ही सोचिए, जिसने अकेले पूरे कलहारे को कंट्रोल कर लिया, उसके लिए एक छोटा सा विंटेज क्या है? ये क्या मजाक है, आज इतना कैसे पहरा लगा दिया विंटेज में? हाँ वही तो मैं भी सोच रही थी, ये प्रोग्राम कैंसिल करे क्या? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद वो अपने हिसाब से वहाँ घुसा, यकीन मानिए सर पूरे विंटेज का सिक्योरिटी उसके हिसाब से टूटा। देखो थोड़ा ही समय होगा तुम्हारे पास, जो कर सकती हो जल्दी करो। अरे हाँ पर अभी तो आए, थोड़ा तो समय दो। समय मैं नहीं वो देंगे तुम्हें, अगले 2 मिनट में एक अलार्म बजेगा, जिसके बाद उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। ओके, पर एक बात बताओ, अगर 2 मिनट में नहीं हुआ तो इस पूरे वेंटेज को ही आग लगा दूंगा। और इसके बाद तो मैं पूरी तरीके से मजबूर थी सर, वेपन्स किसी के जान से जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ सकता हूँ, पर एक बात समझ नहीं आ रहा, वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने से उसे क्या फायदा होगा? जल्दी करो, समय खत्म होने वाला है। हाँ हाँ बस हो गया, और समय भी पूरा हो गया, यहाँ से निकलो ऊपर की ओर। अरे ये क्या, कौन है वो, उन्हें रोको, इंस्पेक्टर्स पकड़ो उन्हें। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, हमें नीचे की ओर निकलना होगा। यकीन मानिए सर, जितना मौत से खेलने का चस्का उसे है, किसी और को हो तो एक दिन में मर जाए। इंस्पेक्टर्स फाइन, वो जो कोई भी है यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। इंस्पेक्टर्स की लाख कोशिश और गवर्नमेंट की कड़ी पहरे के बाद भी वहाँ से बच कर गया है ना? हाँ सर, क्योंकि वो मानता है कि कोई ऐसा पहरा, ऐसा जंजीर, ऐसा दीवार बने ही नहीं जो उसे रोक सकता है। सुनो ये सब क्या था, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? एक मरे हुए को मौत से कैसा डर, सिर्फ एक शरीर खड़ा है तुम्हारे सामने, क्योंकि आत्मा तो इस जात पात के दीवार में दबके कब का गया मर। ये वही दर्द है सर जिसकी मैं बात कर रही थी, सच में बहुत पहले मर के एक जिंदा लाश बन चुका है वो, जिसकी बस सांसें चल रही थी। तो अब उस जिंदा लाश को असली लाश बनाना होगा, वो जो सांसें चल रही है उन्हें भी रोकना होगा। पहले ही सब कुछ छीन लिया उससे, लेकिन अब भी इनका मन नहीं भरा। यकीन मानिए अपने लाख बुराइयों के बाद भी सलार अब भी है इनसे कहीं बड़ा, और कलहारी की ये जंग बेवजह वो नहीं लड़ा। कहीं कोई और जात पात में ना मर जाए, कहीं कोई और सलार ना बन जाए, इसलिए वो अब भी सब कुछ छोड़ के वहाँ है खड़ा। देखो रॉकी, सलार की कहानी वैसी नहीं है जैसे हमने सोची थी, बहुत कुछ है तुम्हारे जानने को, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जान को खतरा है, तुम जहाँ कहीं भी हो निकलो वहाँ से। तो पर सर सुनिए, रॉकी के पास वाकई में वक्त कम था, हाथों में पहले ही खुशियाँ कम थी, और मिलने वाला एक बड़ा गम था।
दूसरी तरफ रॉकी को मारने रणबीर भी हॉस्पिटल आ चुका था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉकी हॉस्पिटल में है, रणबीर को कैसे पता? इसका मतलब अपनों के बीच कोई गद्दार छुपा था। अबे ओए, कौन है तू? हाँ, हम गार्ड है साहब, कहिए क्या मदद करें? इस वक्त हॉस्पिटल एकदम खाली है। खाली? इंस्पेक्टर्स, जांच करो अंदर। तब तो हमें हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए होंगे, सलार भाई को बता देना। ठीक से देखो हर एक जगह। अरे ओ डॉक्टर, यहाँ एक आदमी धरा जिसे गोली लगी थी। हाँ सर, था तो, पर वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चला गया। बकवास मत कर डॉक्टर, सच बता। हम एकदम सच कह रहे सर, वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है। कहाँ कहाँ गया है वो? ये तो हमें नहीं पता, सलार भाई लाए थे उन्हें और उनके जाते ही वो भी यहाँ से चला गया। धोखेबाजों से भरी है ये कहानी, पहचान नहीं पाओगे। सही को सही तो कह दोगे, लेकिन अंतिम में उस सही को भी गलत पाओगे। चीफ इतना क्यों डरे हुए थे? पक्का कोई और भी बात है? देखो बस थोड़ी देर और, सर एक बार आ जाए उसके बाद तुम जेल में होगे। नहीं, अगर तुम सही जवाब दोगे तो आजाद होगे। क्या मतलब सर, इन लोगों को छोड़ना ठीक नहीं होगा? वो तो वक्त बताएगा, पर फिलहाल उसका तो पता चल जाए। किसका सर, आप किसकी बात कर रहे हैं? वही जो इस शतरंज खेल में राजा की आड़ में खुद का चाल चल रहा है। मैं कुछ समझा नहीं सर। बरमूडा गवर्नमेंट मुझे मारना चाहती है, मेरी खुद की टास्क फोर्स अब मेरे पीछे पड़ी है। कलहारी सलार का है और अब सलार को ही यहाँ ट्रैप किया जा रहा है। क्या? हाँ ऑफिसर, सलार एक सप्लायर है लेकिन ड्रग्स का नहीं। वो तो ड्रग्स को तबाह करना चाहता है, लेकिन फिर भी कलहारी के ड्रग्स नेक्स्ट्रा, अल्फाइन, फॉरगेटरी, बरमूडा हर जगह मिलते हैं। कैसे? कैसे सर? क्योंकि कोई और भी है जिसके पास पावर है, बरमूडा से कांटेक्ट है और सलार का भरोसा भी। और वो कौन है सर? वो तो इन्हें पता होगा। हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो बस वही करते हैं जो हमसे सलार भाई करने को कहते हैं। सरासर झूठ है ये, क्योंकि उन्होंने तो कभी ड्रग सप्लाई का ऑर्डर दिया ही नहीं है। मैंने उस दिन मेंटेनेंस डायरी पढ़ा है जिसमें साफ साफ लिखा है कि कलहारी में पैदा किए गए ड्रग्स यही तबाह किए जा रहे हैं, ना कि सप्लाई। ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो सप्लाई का ऑर्डर आता है। कि क्या कहा था तुमने, सलार भाई तुम्हें ऑर्डर देते हैं? हाँ, जो सलार भाई का ऑर्डर होता है हम वही करते हैं। क्या वो खुद आकर तुम्हें ऑर्डर देते हैं? नहीं, सलार भाई नीलू भाई से कहते हैं और फिर नीलू भाई हमें आकर बताते हैं। नीलू? अच्छा ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ठीक है, चलो रे। और हाँ, अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो उसे सेंटा कैटरीना भेजना। ठीक है। ये क्या सर, आखिर आप लोगों ने जाने क्यों दिया? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? बचपन में मेरे अंकल कहते थे कि टोकरी में रखा एक सड़ा आम पूरे टोकरी के आम को खराब कर देता है। इसी तरह नीलू भी मेरे शक के पैमाने में एकदम सही बैठा है। अब चलकर नीलू से ही पूछते हैं सेंटा में कि नीलू खुद इस बारे में क्या कहता है। पर सर सुनिए तो, भाई उस लड़के के बारे में और भी बहुत सी चीजें पता चली हैं। बोलता जा। वो साला पुलिस वाला था भाई, उसने अकेले में बलराम को कैद किया था। बलराम का भाई नहीं, उसका नाम रोहित नहीं, वो पुलिस वाला रॉकी है। रॉकी? ये नाम पहले भी कहीं सुना है। हाँ भाई, क्योंकि ये रॉकी वही स्पेशल टास्क ऑफिसर है जिसने पॉर्गेट्री में हमारे बहुत से लोगों को मारा है और अब यहाँ आपको मारने आया है। अगर ऐसा है तो पहली बार ही नाखों ने किसी इंसान को पहचानने में धोखा खाया है। पर अफसोस कि वो यहाँ मारने नहीं, मरने आया है। बेचारा गलत इंसान से टकराया है। नहीं भाई, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे मैं ही देख लूंगा। बलराम आ रहा है, उसके लोकेशन का भी पता चल जाएगा। हाँ, पर उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि पहली बार अपने जैसा जुनून मैंने किसी और में देखा है। लगा जैसे एक आईना देखा है। सुनो बे। कहिए भाई। तुम सब ने उस रोहित को देखा है और उसे हम में से एक समझा है, लेकिन वो बलराम का भाई नहीं, अंडरकवर ऑफिसर था। क्या? पर भाई उसे तो सब कुछ पता है। हाँ, उसने हमारे साथ धोखा किया है, इसलिए उसका मरना जरूरी है। उसने बलराम को भी कैद करके रखा था। चुप हो जाओ। बलराम बड़े मुश्किल से उसे कैद से भाग के आ रहा है। एक बार वो यहाँ आ जाए उसके बाद हमें उसका लोकेशन पता चल जाएगा, फिर हम उस पुलिस वाले को छोड़ेंगे नहीं। बलराम आ गया भाई। बलराम को आने से पहले ही क्या कहना है ये नीलू ने बताया है। ऐसे ही करके नीलू ने सलार के दिमाग में आग लगाया है। भाई बड़े मुश्किल से हम वहाँ से भागे हैं, वो तो हमें मारना ही चाहता था। मुझे तो पहले ही उस पर शक था। और क्या चाहता है वो? भाई वो कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है हमारे खिलाफ। कलहारी के कुछ पुलिस वाले भी उससे मिले हुए हैं। तो फिर ठीक है, आज उनका काम हम खत्म करेंगे। जासूस हो या दुश्मन, एक साथ मरेंगे। जरूर भाई, उसे मरना ही होगा। इस वक्त वो सेंटा कैटरीना में है। तो फिर चलो उसकी कहानी वही खत्म करते हैं। नीलू जानता है सलार से सच्चाई छुपाने के लिए रॉकी का मरना जरूरी है, लेकिन रॉकी के लिए सच्चाई के बाहर आने का इंतजार करना मजबूरी है। सर आप जानते हैं ना, अगर नीलू यहाँ आया तो भी अकेला नहीं आएगा। हाँ वो एक टट्टू है, कुछ और टट्टू साथ लाएगा। लेकिन डरो नहीं, सलार भाई के साथ रहता है तो ऐसा नहीं कि वो भी सलार बन जाएगा। फिर भी सर एक बार सोचिए ना, हम तो सिर्फ दो हैं,
पता नहीं वो कितने होंगे। सामने देख लो, जवाब मिल जाएगा। बस ध्यान रखना खुद पे इतना कॉन्फिडेंस हो कि पहाड़ टूट जाए तो एक के सामने 100 हिल जाएगा। ठीक है सर। बाकी घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम पुलिस वाले हो यार, थोड़ा लगाओ दहाड़। जी जी सर। अब क्या बताएं, फटके चार हो गई है। अगर दहाड़ लगाएंगे तो अपने चड्डी में कुछ ऐसा कर जाएंगे कि साला किसी को मुंह ना दिखा पाएंगे। यही चुप कर बैठा है वो कमीना। पूरे इलाके की ठीक से जांच करो, साला जिंदा नहीं बचना चाहिए। बहरे इंसान, ऐसे भी क्या खुन्नस होनी चाहिए। खुद की मौत सामने हो तो थोड़ा तो रोना चाहिए। ओह, तो यहाँ छुप कर बैठा है तू। छुप कर, लगता है तुझे कम दिखाई देता है। मैं तो यहाँ इंतजार कर रहा था एक गद्दार कुत्ते का, जो गद्दारी के साथ अपने ही मालिक का कान भर रहा था। जवान संभाल कर बात क्या साले, तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूँ। तू अकेला और मुझे देख। अब देख, बोलने का मन तो नहीं था लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। भीड़ में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। और ये बात तो तू भी जानता है, शेर के सामने सुअर कितने भी हो, सुअर ही मारा जाता है। अरे नहीं, ये क्या, पकड़ो उसे, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। रॉकी जानता था अगर एक साथ वो सबसे लड़ेगा तो खुद मरेगा, लेकिन एक एक करके अगर लड़ेगा तो दुश्मन मरेगा। नहीं, हम रुक नहीं सकते। रॉकी जानता था इस जंग में मरने का मतलब, इसलिए उसके लिए भगना मजबूरी था। सलार के साथ खड़े होकर सलार को डसने वाला आस्तीन का साथ था नीलू, इसलिए उसका पर्दाफाश करना भी जरूरी था। मौत के उस पार इंतजार कर रहा था एक भाई का दूसरा भाई, शायद इसलिए मौत से टकराना नियति को भी मंजूरी था। अब क्या करें, उसे पकड़ने का तो और मौका मिल जाएगा। तुम लोग जाके गाड़ी लेकर आओ, भाई को अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। रॉकी का चलाया हुआ ये एक गोली रॉकी को ही भारी पड़ने वाला था, क्योंकि सलार पागल हो जाएगा ये सुनकर कि रॉकी की गोली से नीलू मरने वाला था। सर, एक बहुत अच्छी खबर है, रॉकी ने नीलू को मार दिया है। इसका मतलब अब सलार रॉकी के पीछे जरूर जाएगा, और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका होगा उन दोनों को मारने का। बहुत खूब, अभी ऑफिसर रणवीर को अलर्ट करो और तुम दोनों एक अलग फोर्स लेकर जाओ कलहारी। सलार का गुस्सा बादलों की तरह था, अगर गर्जा तो रूह भी कांप जाएगी। भाई, तो अब सवाल रॉकी की है, क्या नियति एक भाई को दूसरे भाई से बचा पाएगी? सलार भाई, क्या हुआ इसे? वो भाई गोली लगी है सीने में, बचना मुश्किल है। बचना ना मुमकिन भी हो तो भी ना नहीं सुनना चाहूंगा। अगर ये मरा तो पूरे सिस्टम को आग लगाऊंगा। नहीं भाई, हमने बड़े डॉक्टर से बुला लिया है, वो आते ही होंगे। तो कुछ भी करके बचाओ इसे, और तब तक इसे मारने वाले का लाश लेकर आता हूँ मैं नीचे। भाई, वो इंस्पेक्टर का पता लगा लिया हमने, इस वक्त तो कमांड पोस्ट के बगल वाले घर में ही है। करंट लोकेशन नहीं, लाइव लोकेशन चाहिए मुझे, उसके हर एक पल का। सलार का गुस्सा अब फटने को तैयार था, एक झूठे रिश्ते के जीत में सच्चे रिश्ते का हार था। सर, एक प्रॉब्लम है, एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ रहा है, शायद कोई हमें ट्रैक कर रहा है। कोई और नहीं ऑफिसर, ये वही है जिसे तुम मौत कहते हो। लेकिन घबराओ नहीं, अब हमारे पास इनफ सबूत है जिससे हम साबित कर सकते हैं नीलू के बारे में। तो पर सर, ये तो खतरनाक होगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि सलार हमारी बात सुनेंगे भी या नहीं। पता नहीं, पर उन्हें सुनना होगा, क्योंकि उनके सुनने से ही इस कहानी का अंत होगा। इन पेपर्स को इकट्ठे करो, हमें खुद ही उनके पास जाना होगा। अगर वो खुद आए तो दिक्कत होगा। यूं तो रॉकी चाहता है सलार को रोकना, लेकिन गुस्से में सलार को सिर पाता है दुश्मन को ठोकना। अरे नहीं, आप ठीक तो हैं ना सर? ओ, उसने जानबूझ के ठोकर मारी। ये क्या बात हुई? अरे ओ भाई, तुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अरे ओ, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरा भी है क्या तू? सुनने की जरूरत तो तुझे थी, पर तूने गोली चला दी। भाई, देखिए आपको जैसा लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। अब तू नहीं बताएगा मुझे क्या गलत और क्या सही है, ये मेरा कलहारी है और तुम जैसे हथियारों की यहाँ कोई जगह नहीं है। एक बार बस मेरी बात सुन लीजिए भाई, उसके बाद आपको जो सही लगे आप मेरे साथ कर सकते हो। मुझ पर बंदूक लगाकर तू मुझे बात सुना रहा है? एक बार में सोच ले तू करना क्या चाह रहा है। शायद यही सही मौका है सर, अगर आप कहें तो अभी इन्हें मार गिराते हैं। ना, इंतजार करो,
एक भाई को भाई कैसे मारता है, हम बस ये देखना चाहते हैं। देखिए भाई, मैं साबित कर सकता हूँ कि नीलू ने हमेशा आपके साथ गद्दारी की है। गद्दारी? गद्दारी किसी रिश्ते से बड़ी नहीं होती है, और रिश्ते भरोसे पे खड़ी होती है। देखो बेटा, कोई भी दुश्मनी रिश्तों से बड़ी नहीं होती है, क्योंकि रिश्ते भरोसे पे खड़ी होती है। कि क्या कहा भाई आपने? ये आपसे आपके माँ ने कहा था ना? तो तुझे इसके बारे में कैसे पता? उसे ये पता है क्योंकि उससे तुम्हारा पुराना रिश्ता है सलार। और पिता तुम तो मर चुकी थी ना? मेरा मरना मेरी मजबूरी थी सलार। मैं एक अंडरकवर ऑफिसर हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हें बताने जा रही हूँ, वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर यार पिता क्या कर रही है यहाँ? कहीं से भी तो रोके हो सलार का पता नहीं। इस जिंदगी में एक और धोखा, इन पुलिस वालों की जात ही बेकार होती है। नहीं सलार, उसे मत मारना, वो भाई है तुम्हारा। क्या बोला तूने? सलार वो भाई है तुम्हारा। भाई? हाँ सलार, वो कभी मरा नहीं था, एसपी ने सिर्फ उसे एक बेहतर जीवन दिया। अब सच्चाई सलार के सामने है, भोला उसके नाम में है, जिसके लिए सारी दुनिया से लड़ लिया उसने, अब मर रहा वो उसके सामने है।